आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्री केदार के दर्शन करने उत्तराखंड पहुंचे तो देश भर की नजरें इस दौरे पर टिक गई। इस दौरान पीएम द्वारा केदारनाथ दर्शन के दौरान हिमाचली चोला डोरी ड्रेस पहनी गई, जो खासी चर्चाओं में आ गई। इस ड्रेस ने लोगों का बरबस ध्यान अपनी ओर खींच लिया, लेकिन अब पीएम की इसी ड्रेस पर बवाल खड़ा हो गया है। पीएम के दौरे पर राजनीति इस कदर शुरू हुई कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने पीएम के परिधानों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पीएम के बद्री केदार दौरे पर देहरादून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गोदियाल ने पीएम के परिधान पर सवाल खड़े किए और कहा कि पीएम की ड्रेस में जो स्वास्तिक का निशान बना है, उससे हिंदुओं की धार्मिक आस्था और परंपरा का अपमान हुआ है। सुनिए क्या बोले हैं गोदियाल। अभी देखा कि प्रधानमंत्री जी ने जो वस्त्र पहने हैं उस पर स्वास्तिक का निशान पीठ पर बनाया हुआ है, तो उनके जो ड्रेस मेकर्स हैं, मेरा निवेदन है कि कृपया वो ऐसे वाहवाही और प्रधानमंत्री जी की शाबाशी पाने के लिए ऐसे काम न करें कि प्रधानमंत्री जी की पीठ पर स्वास्तिक का निशान बनाएं। प्रधानमंत्री जी की टोपी पर स्वास्तिक का निशान बनाते तो हमें अच्छा लगता, क्योंकि हमारे लिए वो श्रद्धा का चिन्ह है। भगवान गणेश के रूप में हम उस चिन्ह को देखते हैं, स्वास्तिक के चिन्ह को देखते हैं, और वो किसी व्यक्ति के पीठ पर हो ये शोभा नहीं देता। खास करके उनके ड्रेस के डिजाइनर्स जो हैं, उनके ड्रेस बनाने वालों को मेरी राय है कि आगे इसका ध्यान रखें। दरअसल पीएम की ड्रेस को लेकर इसलिए भी ज्यादा चर्चा हो रही है क्योंकि पीएम हमेशा अपने परिधानों से कोई ना कोई संदेश देते रहे हैं। इस बार हिमाचल में चुनाव होने हैं, लिहाजा माना जा रहा है कि पीएम ने हिमाचली परिधान पहनकर हिमाचल की जनता को एक संदेश दिया है। यही कारण है कि विपक्ष ने पीएम के परिधान से खोट को उधेड़ कर निकाल लिया। कांग्रेस का कहना है कि परिधान में स्वास्तिक पीठ पर बनाया गया है, जो सही नहीं है। लिहाजा अब एक के बाद एक कांग्रेस के नेता पीएम की ड्रेस को लेकर उन्हें घेरने लगे हैं। देखिए, हम प्रधानमंत्री दौरे का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमने तो कहा कि अतिथि देवो भाव की हमारी संस्कृति है, हम देवभूमि के लोग हैं। एक नहीं, बारंबार प्रधानमंत्री जी का हमारे पास स्वागत है। हमारा तो मान बढ़ता है अगर हमारे प्रदेश में प्रधानमंत्री जी आते हैं, लेकिन ऐसे में जो उनकी सलाहकार मंडली है, हर बार उनसे कुछ ना कुछ गुफअप करवा दे रही है। इस बार आप देखिए कि स्वास्तिक का निशान हम लोगों के हिंदू सनातन धर्म में एक बहुत उच्च स्थान रखता है। ओम का स्थान और स्वास्तिक का स्थान एक तरह से मुख द्वार में लगाने वाला, पूजा स्थल पर लगाने वाला, मंदिरों में लगाने वाला, मंदिर के टॉप चोटी में लगाने वाला ये निशान है, आपने उसको पीठ पे लगा दिया। हमारे वहाँ ये बात मानी जाती है कि कमर से नीचे का जो हिस्सा है और जो पीछे का हिस्सा है, ये निचले स्तर का है। आपका जो ऊपर का भाग होता है वो मान और सम्मान का भाग होता है। तो जैसा कि मेरे पूर्व अध्यक्ष ने भी कहा, ये बहुत आपत्तिजनक है कि आप हमारे चिन्हों के साथ तो खिलवाड़ ना करें। हमारे वेद पुराणों में जो बातें हैं, जो हिंदू सनातन धर्म के लिए खास महत्व रखती हैं जो बातें, उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी सबकी भावनाएं आहत होती हैं। जब हम स्वास्तिक के निशान को किसी की पीठ पर देखते हैं तो मन आहत हुआ, मन उद्वेलित हुआ, और इसमें गलती कतई प्रधानमंत्री जी की नहीं है, गलती ड्रेस डिजाइनर्स की है, गलती उन लोगों की है, उन चाटुकारों की है जो चारों तरफ उनके घेराबंदी करके चलते तो हैं लेकिन सच को सच और गलत को गलत नहीं कह पाते। उनको वही टोक देना चाहिए था कि ये आप गलत कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है कि पीएम उत्तराखंड आए हों और विपक्ष ने उन्हें घेरा हो। इससे पहले भी जब जब प्रधानमंत्री केदारनाथ आए हैं, कांग्रेस ने किसी न किसी बहाने पीएम के दौरे पर सवाल जरूर खड़े किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।